Press the bell icon and never miss an update from Telly Masala. नील आज दोबारा हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। दयावंती ने एक्चुअली मिताली को पकड़ लिया, तो मिताली फंस गई है गुंडिया में व्हाटएवर इट इज, एंड नील अब बीइंग द सेवियर उसे बचाने की कोशिश करेगा, एंड ऑफ कोर्स बचा ही लेगा, बट जो तरीके जो टर्न इवेंट्स होंगे वो अच्छे इंटरेस्टिंग से होंगे। हाँ, अवनी को ये समझा रहा हूँ कि तुम घर पे रहो, घर से बाहर मत निकलो, बिकॉज अगर वो घर से बाहर निकलेगी तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा मेरे लिए, उसके लिए, खुद के लिए, बिकॉज दयावंती उसे भी पकड़ लेगी, उसे भी मारने की कोशिश करेगी। दयावंती का चाल खत्म ही नहीं हो रहा, चाहे नील कुछ भी कर ले। हाँ, बिकॉज दयावंती जब तक खुद नहीं मरेंगी तब तक उनके चाल खत्म नहीं होगी, कुछ ना कुछ चलते रहेगा उनके दिमाग में, खुराफाती दिमाग है ना, क्रिमिनल माइंड, सो क्रिमिनल माइंड डजंट स्टॉप एवर। ओके फाइन, अच्छा शो में आगे और क्या कुछ देखने मिलेगा? शो में आपको ये देखने को मिलेगा कि जो अवनी और नील साथ में रह रहे थे उनका जो बीच में एक थोड़ा ग्लिच सा चल रहा था कि अगर एक बार दयावंती को सज़ा मिल जाएगी उसके बाद क्या होगा, तो वो एक सस्पेंस है फॉर ऑडियंस आई थिंक फॉर नाउ, कि नील और अवनी जब दयावंती को सज़ा मिल जाएगी उसके बाद साथ में रहेंगे नहीं रहेंगे, सेपरेट हो जाएंगे, क्या होगा। फैंस के लिए बस इतना कहना चाहूँगा यार, आप लोग देख रहे हैं अच्छे से शो, देखते रहिए और हमें प्यार देते रहिए, भरपूर प्यार देते रहिए, और ऐसी हमारी TRP और शो को नंबर 1 पे पहुँचाइए। थैंक यू।